नमस्कार साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाई के अड्डा तेईस पर आज की वीडियो में हम टी जी टी, टी, टी पी जी टी लेटेस्ट अपडेट टूडे के वी एस टी जी टी पी जी टी पी आर टी भर्ती न्यूज सरकार ने बेरोजगारों से कमाए चार सौ चौबीस करोड़ रुपए यूपी बोर्ड टेंथ एंड ट्वेल्थ रिजल्ट दो हज़ार तेईस अदरस अदर्स इंपोर्टेंट न्यूज टूडे जानिए सब कुछ केंद्रीय विद्यालय संगठन द रिक्रूमेंट एजेंसी सी बी एस ई न्यू दिल्ली वो कंडक्टेड द के वी एस रिक्रूमेंट एग्जामिनेशन हैज डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज़ द स्कोर ऑफ कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन सी बी एस ई ने के वी एस के एग्जाम की तारीख की घोषणा कर दी है यह पी आर टी और टी जी टी और पी जी टी के एग्जाम से संबंधित सरकार ने सात साल में एक दशमलव चौबीस करोड़ बेरोजगारों से वसूले चार सौ चौबीस करोड़ रुपए सौ से अधिक परीक्षाएं कराई विधानसभा में दी गई जानकारी किस साल कितनी फीस और कर्मचारी चयन मंडल ने कमाए यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वर्षवाद आपका डाटा है सामने देख सकते हैं टोटल चार सौ चौबीस दशमलव तीन छः राशि करोड़ रुपए बेरोजगारों से कमाई वो प्रयागराज में बमबाजी की घटना से हड़कम गली में उठता दिखा धुआं सामने आया वीडियो प्रयागराज न्यूज पुलिस के मुताबिक इस बमबाजी की घटना का ठीक अहमद शूट आउट से कोई वास्ता नहीं है पुलिस ने कहा है कि सिर्फ दहशत बनाने के लिए इस घटना को बिल्डर से मांगे थे पाँच करोड़ सोशल मीडिया पर व्हाट्सअप चैट हुआ वायरल बेटे उमर असद के पैसों के हिसाब के लिए धमका रहा था माफिक माफिया अतीक अहमद ने साबरमती जेल में अपने करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम खान को पाँच करोड़ रुपए देने के लिए धमकाया था दावा किया जा रहा है कि उसे व्हाट्सएप के जरिए बिल्डर को मैसेज भी किया था कि मेरे बेटे उमर का हिसाब कर दो हालांकि इन व्हाट्सएप संदेशों को सत्यता की पुष्टि पुलिस अधिकारी नहीं प्यारे तो यूपी बोर्ड रिजल्ट दो हज़ार अप्रैल से पहले पहले जारी करने की तैयारी है उधर चुनाव आयोग को भी पत्र भेजा जा चुका है सहमति लेने के लिए अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं आई है परंतु विश्व सूत्रों से यही पता चल किया जा रहा है पता चला है कि सत्ताईस अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट घोषित करने की तैयारी प्यारे प्यार तो टी, टी और पी जी टी दो हजार इक्कीस की वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया अब आचार संहिता के बाद ही जारी होगी और टी और पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट की घोषणा भी अब आचार संहिता के बाद ही ओके साथियों फिलहाल आज की वीडियो में तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत